जम्मू कश्मीर के रामबन में आज एक बड़ा हादसा हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक गाड़ी गहरी खाई में गिरकर बड़े हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है। इस दुर्घटना में अभी तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है। ये रात को 12:30 बजे के आसपास ये गाड़ी नीचे चली गई, टवेरा थी ये। जो ही हमें इन्फॉर्मेशन दी गई तो हम उसी वक्त जो है रामबन से निकल आए। पूरी हमारी टीमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रामबन SDRF और हमारी सिविल क्योरिटी NGO रामबन रात को निकल आई यहाँ पे। तो यहाँ काफी सर्च करने पे जब हमें पता लगा कि हम नीचे नहीं जा पाएंगे, जो यहाँ की कंडीशन थी, जो यहाँ के हालात थे, हम उस वक्त बारिश भी थी तो हम नीचे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए फिर हमने कहा कि जैसे ही यहाँ पे लाइट्स वगैरह आ जाती है सुबह के टाइम में तो हम इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू करते हैं। फिर आनंद फान में हम लोग जो है बनियाल वॉलंटियर को भी फोन कर दिया, वो लोग भी वहां से निकल के आ गए। उसके बाद हमारी रामसू की वाटी है वो भी निकल के आ गई। तो सब ने मिलकर ज्वाइंटली ऑपरेशन को किया, उसमें आर्मी ने भी हमारा काफी साथ दिया। तो 10 डेड बॉडीज को जो हम लोगों ने रिकवर करके जो है अभी रोड में जो उनको हॉस्पिटल रामबन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। कौन सी गाड़ी थी? ये टवेरा गाड़ी थी जो जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रही थी।